ये है फेक सिलिकॉन सूट जो कि एक्टर्स एंड मॉडल्स यूज करते हैं अपने काम में। बट वेट, इससे मेरे को याद आया, गाइस क्या यही वही तो बॉडी सूट नहीं है ना जो सलमान खान यूज करता है अपनी मूवीज में? या वो बस एक खराब VFX था? वेल, मैं मजाक कर रहा था, मैं सलमान भाई से बहुत प्यार करता हूँ। अ क्यूट किस्सी फॉर सलमान भाई। एंड दिस इज मी। आई मीन आई हैव अ गुड बॉडी, लाइक लुक एट माय बाइसेप्स, लुक एट माय ट्राइसेप्स। आई मीन दे आर ओके। इट्स ओके रचित, भाई फ्लेक्स क्यों कर रहा है? इट इज ओके रचित। So, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बॉडी सूट को खरीदता हूँ एंड इसको खरीदने के बाद इसको पहन के मैं बाहर जाता हूँ एंड देखता हूँ कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है। सो मैं गूगल पे गया, मैंने गूगल पे इसके बारे में सर्च किया, मेरे को ये मिल गया एंड देन आई सॉ द प्राइस ब्रो। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई ये बॉडी सूट। एंड मेरे हिसाब से अगर तुमने कभी कॉलेज नहीं किया है तो ही तुम ये सूट ले सकते हो, तो ही तुम इतने पागल हो सकते हो। सो एज यू नो, तुम सबको पता है गाइस, ये आई वांट इट गाइस, आई वांट इट। तो ये सूट दिखने में बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था एंड इसके बाद मैंने अपने कुछ यूट्यूब फ्रेंड्स को कॉल कर उनको प्रैंक किया। बट फिर मैंने एक महीने तक इसका कोई सा भी वीडियो नहीं डाला। बट टुडे इज द डे जिस दिन हम इसको पहन के जाने वाले हैं बाहर। What's up everybody, welcome back to a brand new video and in this video हम लोग आज के दिन थोड़ी सी स्पेशल चीज करने वाले हैं। आज के दिन हम कुछ ऐसी चीज भी करने वाले हैं जो कि माई कैमरामैन सेड कि काफी गलत है करना क्योंकि ये इंडिया है। आई थिंक तुम लोग गैस कर सकते हो। तुम लोग को याद होगा कि मैंने एक फेक बॉडी शूट लिया था जो कि बिल्कुल रियल लगता है। आज के दिन हम उसको पहनने वाले हैं एंड दिल्ली में बाहर जाने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है। द मेन क्वेश्चन इज दैट थोड़ा सा इश्यू है, अभी मैं वो बॉडी सूट लेके आता हूँ एंड मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है। ओके बॉयज, सो ये रहा वो बॉडी सूट। थोड़े हम आगे चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका इश्यू क्या है। पिछली बार जब हमने इसको वेयर किया था तो ये उतर नहीं रहा था एंड फिर हमने इसको ना काट दिया था। अभी ना इसको जब हम पहनेंगे तो ये पीछे से कटा हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसको फिक्स करना है। एंड उससे भी बड़ा इश्यू ये है कि आज के दिन है बहुत ही ज्यादा गर्मी एंड ये और भी मोटा है, तो मेरे को बस डर लग रहा है कि मैं चक्कर खा के नीचे भी ना गिर जाऊं। बट ओके, इट्स टाइम टू वेयर दिस, पहनते हैं इसको। Cut it bro, cut it. So now it's time कि मैं इस सूट को पहनूं and पहनने में मेरे को कुछ ज्यादा ही मेहनत लगी। I swear to God मेरे को इस सूट को पहनने में ना literally 10 मिनट लगी। I mean इसमें हाथ घुसाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से इसका वेट बहुत ज्यादा है एंड आज बहुत गर्मी हो रही है भाई। एंड इसको पहनने के बाद मेरे को इसको पीछे से सिलना भी पड़ा। थैंक यू सो मच मनु, मनु ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है इसको प्रिपेयर करने में। ओ भाई इसमें ये भी है, ये जी पर ये मेरे वाले से साफ है, मेरा गंदा है। What's up everybody? My name is Rachit and welcome back to a brand new video. एक चीज मैं तुम्हें जो बताना चाहता था, Now I have 8 packs and आज के दिन हम लोग ये 8 packs दिखाने वाले हैं बाहर जाके लोगों को। तो सबसे पहले रिएक्शन के लिए हम नीचे गए अपने बिल्डिंग के अपने वॉचमैन भैया के पास। ओके, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। हम पूरे तैयार हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे नीचे। सबसे पहले मैं अपने गार्ड को दिखाऊंगा अपनी नई बॉडी जो कि मैंने एक रात में बनाई है। लेट्स गो। वैसे मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं ये शेयर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कैलोरीज घटती है तो मेरा प्रोटीन जाएगा। आई एम गोइंग विद अ लिफ्ट, यस यू नो लाइक एनर्जी के लिए अपनी कैलोरीज बचानी पड़ती है, समझ रहे ना तू? या जज मत करियो मेरे को। यो हेलो पापा किधर है? अंकल भाई वो मेरे को अंकल बोल रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय बॉडी ब्रो, कैसी लग रही है ये बॉडी? दिस इज अ फेक बॉडी। फेक बॉडी का असली बॉडी है भाई ये देख। कैसी लग रही है मेरी बॉडी? कैसी लग रही है सही बताओ, एक नंबर। सिक्स पैक दिखाओ पूरे अपने। सिक्स पैक फोर पैक भी दिखेगा। ये देखो है ना सिक्स पैक, देखो। इसीलिए मैं बोलता हूँ देखो, हर दिन रात में वर्कआउट करो, बदन जाओ, बॉडी बनती है, लग रही ना अच्छी। भैया ने अप्रूव कर दिया है, भैया मेरे को हर दिन दिखते हैं तो अब वो मेरी नई बॉडी अप्रूव कर दिया है। वॉचमैन भैया के बाद जब मैं आगे जा रहा था एंड जब मैं अपने घर के बाहर निकला, ब्रो मेरे को सारे लोग देख रहे थे। ये बॉडी कैसी लग रही है? मैं अंडे लेता हूँ ना आपसे, वहाँ से उसी से बनाई है मैंने। अभी हम लोग जा रहे थे एक पार्क की तरफ लेकिन जब मैं रास्ते में जा रहा था मेरे को लिटरली हर कोई घूर रहा था।
अच्छा लग रहा है। नहीं कुछ नहीं बैठा है, टच करके देखो। खाली है, कोई ना था। करो टच करो इसको। मैं ना कोई ना था। देखो वहां पे दिख रहा है। हां पहना है मैंने, यही पहनते हैं। और वो देखते हो हम पिक्चरों में वो बॉडी बनाते हैं ऐसे, तो यही पहना होता है लोगों ने। ये बॉडी कैसी लग रही है? एक नंबर लग रही है पूरी सच्ची। यही होता है, मैं हर दिन दूध पीता हूं। हर दिन दूध पीता हूं मैं। दूध? हाँ दूध से बनाई है। दूध तो मैं भी पीता हूँ यार। फिर मेरी कैसे बन गई? मेरी तो नहीं बढ़ रही भाई। कोई नहीं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा दूध पियो। आप गांव गांव जाके दूध पियो, भैंस का, वो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक सुपरमार्केट जहाँ से हम प्रोटीन बार लेंगे, क्योंकि प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। एक नंबर पूरा। अंकल एक बार हाथ ला के देखो बॉडी से कितनी नेचुरल है। एक बार देखो है ना असली ना से। मैं ना ये वाले सुपर मार्केट में ना हर दिन आता हूँ एंड यहाँ से कोई ना कोई चीज लेके जाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ विद अ न्यू बॉडी। हेलो भैया, बॉडी कैसी लग रही है मेरी? तो हर दिन मैं लेके जाता हूँ ना प्रोटीन बार, इसलिए बॉडी बना ली मैंने। देखो आप ये वाला प्रोटीन बार देखो, आप भी खाया करो सच्ची में, मेरी जैसी बॉडी बन जाएगी फिर सच्ची। हम एक ऑटो करते हैं बिकॉज मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी एंड थोड़ी इंतजार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने जिम। ओके गाइस, बहुत मेहनत के बाद वी आर फाइनली एट तार जिम। तो मैं ना पहले इस जिम में आके बॉडी बनाने की कोशिश करता था और फिर मैं 2-3 महीने से बाहर था तो मैं जिम में आया नहीं। अभी मैं जाने वाला हूँ विद अ सरप्राइज विद दिस न्यू बॉडी। लुक एट माय सिक्स पैक्स। मेरे जो कोच भैया है ना, वो मेरे को जानते थे अच्छे खासे, उनका रिएक्शन देखना मेरे को कैसा होता है। कम ऑन। हेलो भैया, व्हाट्स अप? हेलो सर, बॉडी कैसी लग रही है? कैसे हो? मैं 3 महीने के लिए गया बाहर बॉडी बनाने। बॉडी ये कैसी बॉडी यार? देखो मेरा, देखो देखो ये ज्यादा ज्यादा तो मेरा है। देखो मैंने, मेरे तो 1 महीने में बना ली इतनी। कैसे कैसे बना ली है? काम कर भैया को चैलेंज कर ले, देख ले कौन वेट उठा लेगा। चलो आ जाओ डंबल मारते हैं, देखते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है आ जाओ डंबल मारते हैं। वैसे कोशिश करना आप हरा मत दो मुझे, ठीक है? ये डालना नहीं है वीडियो में। देखो मैं तो ये जो है ना, ये डंबल 5 किलो वाले, मैंने तो इससे बनाई है बॉडी। ये मैं तो ये उठाता हूँ, मैं तो इससे नहीं बन रही बॉडी। नहीं वो आपका प्रोसेस गलत है। नेचुरल चल नहीं, देखो क्या होता है, वजन थोड़ी ना मोशन मैटर करता है, ऐसे बनाई जाती है। कौन से ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेके आए या ऐसी बॉडी बन गई? ये इंटरनेट से सीखा था। तरुण गिल जानते हो आप? तरुण गिल, उन्होंने बताया था को हर दिन मैगी खानी है, तो मैंने मैगी खाई एंड बॉडी बनाई ऐसे। बट एक्चुअली मैं जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आपको कैसी लगी? एक मस्त ऐसा लगा कि आप, एक तो काफी टाइम बाद मैंने इनको देखा और काफी टाइम के बाद देखने के बाद और एकदम ऐसा लगा कि भाई क्या एकदम हल्क, एकदम जिम में एक हल्क आ गया हो। वैसे यही बॉडी होती है ना लाइक का, जैसे मूवीज बनती है ना, तो इसी तरीके के बॉडी शूट यूज होते हैं। तो ये जैसे बहुत ज्यादा भारी है, वो थोड़े पतले होते हैं तभी नहीं दिखता है। वैसे इंडिया में ये चीज है नहीं, इंडिया भाई, में है, भाई ये लेके आए इस चीज को इंडिया में भी, पर अच्छी बात है। तो लगा अगर मैं इसके साथ किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में चला जाऊँ? पर वही है कि भगा देंगे तो भगा देंगे, लेकिन मजा हो जाएगा, मजा जरूर आएगा। वेल पहले तो हमारे कोच सर को थोड़ा थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि आखिर ये क्या है, बट देन उनको पता चल गया यार ये तो एक नकली बॉडी है। लेकिन इस सब के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है, तो मैं घर पे जाता हूँ एंड घर पे जाने के बाद जब मैं अपनी गर्दन चेक करता हूँ तो वहाँ पे होता है ये। हम जस्ट अभी वापिस आए हैं एंड ये पूरे एरिया में ना रैशेस हो गए हैं मेरे। हाउ फ्रिक ब्रो। इसके बाद मैं अपने ये बॉडी सूट को उतारता हूँ। भाई मेरी हालत खराब हो गई है, ये उतर भी नहीं रहा भाई अभी। मेरे पूरे ही शरीर में पसीना ही पसीना होता है। सूट को उतारने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे हाथों में काफी जगह पे रैशेस आ रखे हैं एंड मेरे गर्दन पे भी बहुत ही ज्यादा लाल लाल तरीके के रैशेस हो गए थे। सो अभी मैं डालूंगा कुछ क्लिप जो कि मैंने आगे नहीं डाल पाई थी बिकॉज़ दे हैव ओके। देखो बॉडी नहीं बनानी? नहीं। क्यों? मेरी है। So,
या गाइस आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इफ दिस वीडियो गेट 200K लाइक्स तो मैं इसका सेकंड पार्ट करने की सोचूंगा, जहां पर मैं इसको पहन के मॉल, मेट्रो स्टेशन एंड कुछ और जगह पे जाऊंगा। सो या क्लिक ऑन दैट लाइक बटन एंड क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू वांट कि तुम इसका सेकंड पार्ट देखो। ऑल्सो गो क्लिक ऑन दिस क्योंकि ये बहुत स्पेशल है।